राजस्थान के 17 जिलों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली कोटा में आज से 16 नवंबर तक होगी। इसके लिए 74,000 से ज्यादा युवा पहुंचेंगे। रोज 4500 से 5,000 तक युवा नयापुरा स्थित महाराव उम्मीद सिंह स्टेडियम में दमखम दिखाएंगे। निदेशक सेना भर्ती कार्यालय कर्नल जेके जोसेफ ने बताया कि रैली में अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक और उदयपुर जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे। पहले दिन अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील और दौसा जिले की बसवा तहसील के अभ्यर्थी आएंगे। दोनों जगह के कुल 3500 युवाओं का पंजीयन हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटा से हरिराज फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिराज, आज चित्तौड़गढ़ में एक रैली होने वाली है, सेना भर्ती रैली होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इसी के लिए अभी सेना भर्ती को लेकर एक बहुत ही कोटा के प्रशासन ने अच्छा नियम बनाया है। इसमें करीब 700 से कुछ होमगार्ड यहाँ पे लगाए हैं और चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया गया है तो उसको सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर और जिला जो जो, जो एडिशनल एसपी होते हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। और ये नयापुरा मारो उमेश सिंह स्टेडियम में ये दौड़ शुरू हुई थी और कल की और ये 16 तारीख तक चलेगी। जी हरिराज, इसी के साथ में कई युवाओं का पंजीयन इस रैली के लिए किया गया है, उसके बारे में क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिल्कुल, क्योंकि जो ये माना जाए कि डीएसपी करोड़राम ने बताया कि 17 जिलों से मतलब 73,850 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। करीब ये सुबह 10 से और सुबह 6 बजे तक ये रैली चलेगी और जो पुलिस कर्मचारी मौके पर तैनात है। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।